आपकी 21 जमा नहीं होती है 30 तारीख तक, हाँ तो आपको अगले महीने कोर्ट के थ्रू पूरा पैसा जमा कराना पड़ेगा। ये अपना एक तो वकील लेके आना पड़ेगा, हाँ ठीक है भाई, ठीक है भाई। और उसके थ्रू आपको ये अपना जो भी आपका पेंडिंग है वो पूरा पैसा आपको एक बार में जमा कराना पड़ेगा। नहीं झूठ बोल रहा है। तो कोर्ट से नोटिस आएगा ना उसके लिए मेरे पास? भाई साहब नोटिस आया तो है, ये कोर्ट का ही तो है नोटिस। ये तो आपके वकील का नोटिस है, उन्होंने कहा है 7 दिन में मतलब पेमेंट करने के लिए। हाँ हाँ, तो कोर्ट ये 24 तारीख का है ना नोटिस, कौन सी 24 तारीख का? चौबीस चौबीस तारीख में देखो, इसमें डेट लिखी हुई तो है। हाँ? ये तो फरवरी का नोटिस है, फिर उस हिसाब से तो बहुत टाइम हो गया। फिर आप बताओ, तो कब का नोटिस है, कौन सी तारीख लिखी हुई है इसमें? 24 फरवरी 2022 लिखी हुई है। हाँ अच्छा, हाँ 24 फरवरी लिखा हुआ है उस पे, तो भाई साहब, तभी तो मैं कह रहा हूँ उस हिसाब से तो फिर। उससे कोई दिक्कत नहीं होती है भाई, जब हमारे पास होता है उससे डेट 7 दिन होते हैं, अरे कहना क्या चाहते हो? हमारे पास आता है। तो भाई इसमें तो 24 की डेट लिखी हुई है, अब आप बताओ फिर। इसमें तो उसके आप हिसाब से मुझे तो फिर 7 दिन से ऊपर हो गए ना। नहीं तो भाई, जब मैंने आपके घर पे दिया उससे 7 दिन होते हैं, मैं तो आप भेजूंगा ना डिटेल कंपनी को कि आज नोटिस उसके घर पे गया है कस्टमर अच्छा का। चलो ठीक है, अगर मैं इस महीने नहीं कर रहा था तो कोर्ट से कराना है ना, फिर आप तो नहीं हाँ 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 आओगे घर हाँ पे, आपका हाँ कोई हाँ मैटर नहीं रहेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैटर मेरा क्यों नहीं रहेगा भाई? सही खेल गया वैंच। यार तुम कैसी बात करते हो कि आपका तो कोई मैटर नहीं रहेगा, मेरा मैटर क्यों नहीं रहेगा? भाई जब कोर्ट में चला गया तब भी आपसे क्या, फिर तो कोर्ट क्यों मेरे से क्यों से नहीं होगा रहेगा? मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूँ भाई, आपका केस मेरे अंडर में है, जो भी कार्रवाई करवानी है मुझे करवानी है वो। ना। अच्छा तो कार्रवाई कोर्ट से होगी ना फिर तो? हाँ अरे भैया कोर्ट से होगी तो करवाऊंगा तो मैं ना उसे, क्यों तो कोर्ट में ही बात होगी ना फिर, घर आने का तो प्रोसीजर बंद हो जाएगा ना नहीं फिर। होगा भाई, घर आने का प्रोसेस कैसे बंद हो जाएगा? अब यार आप हाँ एक बात बताओ। बताओ, सुनो सुनो, अब आप एक बात हाँ बताओ, अगर हाँ कोर्ट से करवाना है हाँ तो कोर्ट में, तो फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा, वकील की कोर्ट बात ही में जाना कर पड़, रहे तो हैं आप तो कोर्ट में आओगे ना फिर, ना। हाँ तो मैं वही चीज तो कह रहा हूँ, मैं कोर्ट कोई में आ दिक्कत नहीं है, जाऊंगा आपकी तारीख लगेगी, अपनी तारीख पे कोर्ट पे आना आप अपने वकील को लेके, ठीक ना। हाँ बिल्कुल, उस बात की वही है तो मैं भाई? क्लियर कर रहा हूँ। हाँ लो, बात कर लो सर से, बात कर लो एक बार, हाँ कोर्ट का घूमने का शौक लग रहा है, कोर्ट में घुमा दो एक बार। हाँ पुष्पेन जी बताइए। आप कौन बोल रहे हैं? मैं गौरव जादौन कलेक्शन मैनेजर बात कर रहा हूँ। गौरव जादौन कलेक्शन मैनेजर किस कंपनी? हीरो से? तो ऑब्वियसली हीरो से ही आएंगे। आपका आईडी कार्ड मिल सकता है सर? अच्छा मैं तुम्हें आईडी कार्ड दूं अपना, अब सर इतना तो आप कर ही सकते हैं। मतलब मैं तुम्हें आईडी कार्ड व्हाट्सएप करूं? अजीब मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ। अब सर चलिए ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा आपके साथ, कोई मजाक नहीं कर रहा। आप मुझे एक बात बताइए, मैं बस ये जानना चाह रहा था कि जैसे अगर इस महीने में पेमेंट नहीं कर पाता हूँ ईएमआई का, नहीं कर पाता हूँ ठीक है, तो अगले महीने जो भी होगा वो कोर्ट में तारीख पे आके ही तो काम होगा ना। तुम्हें ये लग रहा हो कलेक्शन वाले तुम्हारे पास आना मन कर देंगे तो गलतफहमी मत रहना, अच्छा कलेक्शन का अपना काम है, लीगल का अपना काम है, ठीक है, अच्छा दोनों तरीके से ही होगा जो भी होगा। बाकी समझदारी इसी में है कि 5 किस्तें तुम्हारे ऊपर निकल रही हैं, ठीक है, हम तुमसे केवल कितना मांग रहे हैं, अगर आपकी स्थिति अभी 5 की नहीं है, अपनी एक एक किस्त करके केस स्टेप करते जाओ, सर देखिए, ठीक है, मेरी मेरी एक बात सुनिए आप। अभी 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 जॉब लगी है, जैसा आपकी माता हाँ जी ने बिल्कुल बताया, बिल्कुल बिल्कुल अभी बिल्कुल। जॉब लगी है, जैसे ही अपनी व्यवस्था बनती है तो अपना दो दो किस्त करके निकाल देना, तो सर मैं वही चीज तो कह रहा हूँ, मैं आपकी सिविल भी मेंटेन हो जाएगी भाई। तो सर मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो तैयार हूँ। आप अभी राहुल आपका सुनिए सुनिए कैरियर सर, चालू हुआ है, आप उससे पहले ही अपना पूरा सिविल खराब कर ही ले रहे हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मैं आप मेरी बात भी तो सुन लीजिए, मैं वही चीज तो कह रहा हूँ, मेरी हाँ अभी जॉब लगी है ठीक है, अब हाँ आप भी जानते हो पेमेंट आएगा तो अगले महीने आएगा है ना। मेरी बात मैंने नहीं वही समझे, पेमेंट आपकी किस्त इतनी बड़ी तो है नहीं, सर, अब मैं तो सर जब पेमेंट सैलरी आएगी तो तभी आप तो थोड़ा मैं। मैनेज इस चीज को आप मैनेज करो, पिछले महीने आपने दिया था हाँ ठीक है, तो इस महीने कम से कम वो स्टेप तो रहा, हाँ तो सर इस मैं वही महीने आप चीज, लीगल नोटिस जारी हुआ है भाई, इसको मेंटेन कर लो, इन चीजों में कुछ नहीं रखा, पुष्पेंद्र मेरी बात मानो। तो सर मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं भी चाहता हूँ मेरा हाँ तो सिविल सही मैं हो, सब देखो, सही मैंने हो। तुमसे ये तो नहीं कहा तुम मुझे 5 किस्तें दे दो, नहीं सर मैं भी तो वही तुम्हारी चीज स्थिति कह देखते हुए बात कर रहा हूँ ना मैं। हाँ तो सर मैं भी तो वही कह रहा हूँ सर, कि मैं अगले महीने से, राहुल भाई से भी मेरी ये बात हुई है कि अगले महीने नहीं से मैं देखो, आपको अगले कंटिन्यू अगले ईएमआई दूंगा। अगले महीने ये फुल एनपीए में चला जाएगा, ठीक है, अच्छा 6 बकेट में चला जाएगा, आप पे 6 किस्तें हो जाएंगी, तो आपको और भारी पड़ेगा निकालना इसका, सर ठीक है, देखिए, अब आप मेरी एक बात समझिए आप सर। मेरी बात समझो, आप हाँ मैनेज करो,
ठीक है, एक दो दिन में इसमें एक किस्त कराओ, और 2 दिन भी नहीं बचे हमारे पास, 30 का तो ये महीना ही है। सर यही तो दिक्कत है, अब 2 दिन में मैं कहाँ से कराऊँ आप सर? कैसे भी आप मैनेज करो, मेरी इसमें मेरी मेरी एक केवल बात एक किस्त सुनिए। जमा कर लो, ऑनलाइन करके इनको राहुल को भेज देना, ठीक है? आपके घर पे कोई नहीं आएगा। एक काम करो, आपको घर आना बुरा लगता है ना, हाँ मेन बात आपकी यही है ना, मैं समझ रहा हूँ सारी चीजें। ठीक है आपके यहाँ पे लड़का बिल्कुल नहीं आएगा, मैं कह के जा रहा हूँ, ठीक है आप इसको एक डेट डिसाइड करके दे दो। सर। मेरी मेरी बात समझो, देखो सब तरफ से हर बात पुष्पिंदर की तो नहीं मानी जाएगी सर भाई, मैं कहाँ कंपनी बता की रहा भी मानी जाएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल कोई भी फैसला होता है वो दोनों तरफ से होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक है? है। आपको घर आना बुरा लगता है कलेक्शन वालों का, कोई कलेक्शन वाला आपके घर पे नहीं आएगा। आप अपने महीने की एक डेट दे दीजिए कि इस डेट को मैं ऑनलाइन जमा करके आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा कि सर मैंने किस्त भर दी है, ठीक बिल्कुल बिल्कुल सर मैं आपकी बात से है? पूरी तरह आप से सहमत जैसे ही हूँ, आपकी आप मेरी स्थिति बात। अच्छी हो, मेरी हाँ बात समझो, जैसे ही आपकी स्थिति अच्छी हो तो एक ही जगह फिर वो दो दो करके अपना मेंटेन करके अपना जीरो कर लेना। सर मैं भी तो वही करना चाह रहा हूँ सर, पर यही बात है ना कि अभी अभी जॉब लगी, अब मैं रह भी बाहर रहा हूँ, वहां का भी खर्चा है, और मेरी सैलरी बात समझो आएगी भाई, तभी तो मैं देखो करवा पाऊंगा ना सर। वो मैं सारी चीज समझ रहा हूँ, लेकिन अगले महीने जो फुल एनपीए में चला जाएगा तो कार्रवाई और बढ़ जाएंगी, फिर आपको और बुरा लगेगा, रिकवरी पे जाएगा ये मामला। मैं अभी केवल आपकी तरफ से बात कर रहा हूँ, आप जो अब चाह रहे हो वो नहीं होगा, आप जो नहीं चाह रहे हो वही होगा, घर पे कोई नहीं आएगा। आप इनको एक डेट दे दो अपनी कि भैया इस तारीख को मैं आपको ऑनलाइन कर दूंगा, इतने बजे मैं ऑनलाइन कर दिया करूंगा, आप मेरे घर मत आना। जैसे ही मुझ पर व्यवस्था बनेगी मैं एक किस्त की जगह पे फिर दो दो किस्त करके निकाल दूंगा, जिससे मैं जल्दी से जल्दी अपना सिविल ठीक कर सकूं, जीरो पे आ जाऊं मैं। उसके बाद में जीरो पे आ जाओगे तो जो भी पेनल्टी आपकी बनी हो वो जमा करके अपने खाते से निकालना, या अच्छी व्यवस्था बन जाए भगवान करे तो अपना लोन ही खत्म कर लेना। सर मैं तो सब तरह से तैयार हूँ, अब सर आप खुद बताइए, तो मैं आप बाहर इतनी रह बस के, मेरी इतनी बात मानो, मैं तो आपकी बात आपके घर पे सर, ये बिल्कुल आना जाना बंद कर देंगे, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ अब आपको। सर सर मेरी बात तो समझिए सर, मैं बाहर किससे कैसे ले सकता हूँ पैसे सर, आप अब ये बताइए। देखिए एक बात है, देखो अगर क्लियर बात समझे तो लोन आपने लिया है, बिल्कुल सर भरने की जिम्मेदारी आपकी है, बिल्कुल सर हम आपकी मदद इतनी कर रहे हैं कि 5 किस्त की जगह पे हम केवल एक किस्त करके आपका केस स्टेप कर रहे हैं उसी बकेट में, जिससे आप एनपीए में ना जाएं। सर थोड़ी सी हेल्प और कर दीजिए बस बस एक। इतनी ही भाई साहब, इतनी ही हेल्प है मेरे पास, और घर पे भी आने का रीजन यही था, बाद में पता चला कि आपके पिताजी भी नहीं है यहाँ पे, पिताजी भी जॉब करते हैं, ठीक है? लेकिन आपका एड्रेस जो है वो कंपनी के एड्रेस में जो है वो डिफरेंस है, ठीक है? तो ये चीज भी कंफर्म करनी थी। बाकी मेरी तरफ से मदद यही है, आपके पास ये राहुल क्या कोई भी कलेक्शन का बंदा नहीं आएगा, आप इनको पहले तो कल तक एक किस्त करवाओ, सर अब ठीक एकदम है? से ना कहाँ से करवा दूंगा सर, अरे मेरी बात समझो, केवल एक किस्त की बात कर रहा हूँ मैं, कौन सा कह रहा हूँ तुमसे 5 किस्त के लिए? सर वही तो बात है ना, उसी बात को इस हम समय तुम आप खेचते रहे हैं, कोई मतलब मेरी नहीं बात निकल तो रहा आप भी ना। तो समझिए सर, महीने का एंड चल रहा है, इस समय मैं कहाँ से लाऊंगा सर। आप देख लो भाई, देखो कलेक्शन की फिर पॉलिसी आपको बुरी लगती है, फिर आप मेल डालती हो, मेरी बात समझो भाई, कलेक्शन कलेक्शन के हिसाब से होगा, फिर आपको वो बुरा लगेगा, तो उन चीजों पे हम भी नहीं आना चाहते हैं। हम भी आपसे कह रहे हैं कि एक एक किस्त करके स्टेप करो, जैसी स्थिति बन जाए उस हिसाब से जमा कर देना, चलिए सर ठीक है, ठीक है? आपने आप आपने कोशिश करो की कल तक एक किस्त अपनी जमा करके इनको स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, बात इनको एक डेट बता देना कि भैया मैं इस तारीख को पैसा दिया करूंगा, आप मेरे घर मत आना, ठीक है? उसके सर। बाद अगर पुष्पेंद्र कोई आता है घर पे, ठीक है, तो मेरा नंबर ले लेना इनसे और मुझे कॉल कर लेना। सर मेरी बात सुनिए, अब आप देखिए सर मैं तो हूँ इस समय बिल्कुल जीरो कंडीशन में कि मैं पेमेंट कर दूँ, ठीक है? अब अगर आप कह रहे हैं कि कल तक करवाओ तो सर मैं वो नहीं कर पाऊंगा फिर सर, देखिए। हाँ भाई देखो एक किस्त तो सर जमा करनी पड़ेगी, आप थोड़ा एडजस्ट करो, वैसे एकदम से मैं मना तो करने से काम नहीं होगा ना। सर मेरे मैं को आपका मेरी बात सुनिए मैं सुनिए एक मेरी तरीके बात से आपकी मदद ही कर रहा हूँ, नहीं मेरी बात भी तो मेरी सुनिए वजह से सर, कोई नुकसान तो हो नहीं रहा। सर मेरी बात भी तो सुनिए, मेरी राहुल भाई से पहले भी बात हुई थी, मैंने राहुल भाई से सिर्फ ये बोला था कि इस महीने रुक जाइए, अगले महीने से मैं आपको ऑन टाइम हर महीने पेमेंट देना चालू तो करूंगा, मैं कह तो रहा तो हूँ मेरी आपकी, बात सुन लीजिए, आपकी अब सुन तो सैलरी आ लीजिए जाए सर, अब मेरी तो सुन लीजिए, उसको दे देना जिससे लोग, तो सर कैसे दे दूंगा उसे, फिर वही बात आ जाएगी, मैं किसी से ले लूंगा फिर तो आपके वो फादर भी सोचेगी तो तो जॉब अगले करते महीने हैं, एक देना बार उनसे होगा बात कर लो, ये किस्त तो खरी सर। सकते हो। घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, उस दिन जो ड्रामा हुआ था उसके बाद से घर वालों ने मुझे भी बेदखल कर दिया, इसलिए मैं यहाँ बाहर पड़ा हुआ हूँ, ठीक है? उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है।
ये है ऐसे थोड़ी प्रॉब्लम ना होता है सॉरी कि आपने सारे कागजों में माँ बाप का नाम लिखाया, आप कह रहे हो मेरा घर से मतलब नहीं है, सर। ये चीजें थोड़ी ना मैं होती हैं। सर बेदखल कर मैं दिया है तो उसका कोई लेटर वगैरह है वो हमें दे दो। ठीक है वो लेटर दे दूंगा तो उसके बाद फिर क्या होगा। वो तो जो होना है वो तो सब होगा, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। तो ठीक है सर फिर पर मैं इस महीने नहीं करवा पाऊंगा। मैं नेक्स्ट मंथ से आपको ऑन टाइम हर महीने आपके पास किस्त आएगी। आप मेरा ये मेरी वादा बात है आपसे। समझो, हाँ मेरी बात समझो, एक काम करो, बताओ अभी इनको कल ले किस्त करके दो, सर। अगले अगले महीने आपकी तनख्वाह आना चालू हो जाएगी। फिर सर मेरी भी बात मैं, सुनिए मेरी बात तो अगर सुनो आप, हाँ मैं फिर भी इतनी छूट दे रहा हूँ, अगले महीने इसी डेट को पैसा दे देना, 29 तारीख को। 29 से पहले तुम्हारे घर कोई नहीं आएगा, आना तो दूर कॉल भी नहीं करेगा बंदा। और बताओ, बस इतना कर सकता हूँ भाई, इससे ज्यादा नहीं कर सकता मैं। अगले महीने 29 तारीख को अपने आप ऑनलाइन करके इन्हें डाल देना, सर मेरे बस की बात नहीं है कर पाना। अगर राहुल भाई देख मुझे लो। उस एक टाइम किस्त पे भी आप जमा करो, सुनिए एक किस्त सुनिए तो अगर जमा कर राहुल लो, भाई मुझे उस टाइम पे भी बात बता कर लो देता ना राहुल जब इनका भाई। फोन आया था। हेलो, हेलो आप उपेंद्र भाई बोलो। राहुल भाई हेलो, यार हाँ जी बोलिए। अब एक बात बताओ यार। देखो मैंने अरे तुम्हें ओम पूरा केयर में पेट्रोल पूरा मैंने चाहिए। कहा था ना मैं अगले महीने तुम्हें हर महीने किस्त दूंगा यार। नहीं तो भाई, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो बोल दिया था, मैंने तो नहीं बोला एक बार भी तुम्हें किस्त के लिए। अब राहुल भाई एकदम से यार अब महीने का एंड चल रहा है एकदम से कहाँ से तुम लूंगा यार। एकदम वाले से कहाँ से लूंगा यार ये हैं? बताओ। अरे यार, 5,000 की बात है, तुम्हारे इतने सारे दोस्त हैं, उन्हें बोल दो यार, एक दो, एक पेमेंट तो तुम्हारे दोस्त भी करवा देंगे। जब तुम्हारे बोलने पे वो आ जाते हैं, तुम घर तक आ जाते हैं तुम्हारी सपोर्ट में, तो उन्हें बोल दो कि भाई एक किस्त जमा करवानी है, थोड़ा अरेंजमेंट करवा दो यार। भाई राहुल भाई देखो सपोर्ट में आने वाली बात अलग होती है और पैसे के नाम पे बात अलग होती है। हर कोई याद खींच लेता है ये आप भी जानते हो यार। अरे यार, हम तो सारी ठीक है चीजें जानते हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ इस महीने का टाइम तो दिलवा दो यार। मैं तुम्हें अगले महीने से ऑन टाइम दूंगा यार पैसे। मैं मना तो नहीं कर रहा भाई यार। इसमें मेरे हाथ में नहीं है ना। अरे राहुल भाई थोड़ा सा तो सपोर्ट कर दो यार कभी। मैं काहे में सपोर्ट कर दूं, मेरी तो तुमने खुद ही कंप्लेंट डाल दी थी, मैं काहे में सपोर्ट कर दूं भाई, ये बताओ। अच्छा तो तुमने तो मेरे उसका नाम की कंप्लेंट नहीं डाल दी थी, कहने लगा कि इन्होंने आके मेरे घर पे बदतमीजी कर दी मेरी मम्मी के साथ में। हाँ भाई वो तो करी थी आपने वो तो करी मैं यार, थी। तुम फिर भी मेरी मेरी सपोर्ट का एक्सेप्टेशन कर रहे हो कि मैं तुम्हारी सपोर्ट कर दूंगा फिर। तो फिर भाई साहब मैं नहीं कर पाऊंगा। आप ठीक है जो करना चाहते हैं आगे कर लीजिए फिर।